तो फाइनली Redmi 10 आज ऑफिशियली इंडिया पे फ्लिपकार्ट में लॉन्च हो गया है। फोन का प्राइस 9,999 यानी 10,000 रखा है और फोन में काफी बेहतर फीचर्स दिया गया है। सच बताओ तो Redmi ने बहुत दिनों के बाद एक ढंग का फोन लॉन्च किया है जहां पर हमें काफी बेहतर फीचर्स देखने को मिल रहा है, वो भी सस्ते में। बट इस फोन में कुछ नेगेटिव फीचर्स भी है, क्योंकि हर फोन में कुछ पॉजिटिव रहता है तो कुछ नेगेटिव भी रहता है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं क्या 10,000 में इस फोन को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। इस फोन में आपको तगड़ा वाला फीचर्स मिलता है Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट जो कि 6 नैनोमीटर में बना हुआ है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त मिलने वाला है, बैटरी बैकअप या फिर कैमरा एक्सपीरियंस या फिर हर ऑल ओवर आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो यहाँ पर 6nm चिपसेट पहली बार जो है 10,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मोबाइल जो है दो वेरिएंट के साथ आया है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, LPDDR4X रैम यूज किया गया है और साथ में यहाँ पर जो स्टोरेज है UFS 2.2 का स्टोरेज है, तो बहुत फास्ट है। और साथ में यहाँ पर वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट है, अप टू 8GB तक जो है वर्चुअल रैम मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं, 6GB को 8GB आप कर सकते हैं। तो ये वाला भी फीचर्स दिया गया है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब दोस्तों इस फोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, तीन कलर में आपको ये फोन मिलेगा, ब्लू है, ग्रीन है और दूसरा वाला एक ब्लैक या फिर ग्रे कह सकते हैं। बाकी जो कैमरा पैनल का डिज़ाइन है थोड़ा सा इस बार चेंज किया है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड में ही है, फ्रंट में वाटर ड्रॉप नोजल डिस्प्ले है और प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस फोन में और भी बहुत सारा हाईलाइट फीचर्स है, जैसे कि इस फोन में 6000mAh का बैटरी दिया गया है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर शायद 5000mAh का बैटरी मिले, बट 19 से ज़्यादा Redmi ने हमें इस फोन में बैटरी बैकअप दिया है भाई, 6000mAh का बैटरी दिया गया है और फास्ट चार्जिंग यहाँ पर 18W का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। तो बैटरी डिपार्टमेंट बहुत ही तगड़ा है, साथ में आपको टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाएगा इस फोन में। अब दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा सेंसर है, यहाँ पर आपको ड्यूल रियर कैमरा मिल रहा है बैक साइड में, बट 50MP का मेन सेंसर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2MP का एक डेप्थ या फिर VGA सेंसर है, माइक्रो सेंसर नहीं है और साथ में LED लाइट भी बैक साइड में दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, जैसे कि मैं पहले ही बताया कुछ फोन में कुछ नेगेटिव फीचर्स रहता है, तो ये वाला एक नेगेटिव फीचर्स आप कह सकते हैं। 5MP का सेल्फी कैमरा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ इस फोन में दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 है और डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो डिस्प्ले काफी अच्छा है, क्योंकि 6.7 इंच का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, IPS LCD पैनल यूज किया गया है। बट ये वाला डिस्प्ले एक तरफ से देखा जाए तो एक नेगेटिव फीचर्स भी है, क्योंकि 10,000 के आसपास हमें FHD प्लस रेजोल्यूशन अभी मिल जाता है, बट इस फोन में जो डिस्प्ले यूज किया गया है ये HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। तो यहाँ पर डिस्प्ले का साइज बड़ा है बट क्वालिटी थोड़ा सा डाउन लेके जाता है। अब यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको 400 nits से ज्यादा ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का सपोर्ट इस फोन में दिया गया है। और फोन का जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB उसका प्राइस रखा है 10,999 यानी 11,000, बट अभी फिलहाल HDFC बैंक का कार्ड में एक डिस्काउंट वगैरह दिया जा रहा है, 1,000 का डिस्काउंट देकर 10,000 में यह फोन अभी बेचा जा रहा है, बट नॉर्मल यूजर इसको 11,000 से परचेस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है भाई क्या इस फोन को परचेस करना चाहिए। देखिए जिसको ऑलराउंडर फोन चाहिए तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट 6nm वाला मिल रहा है, तो ये एक बेस्ट चिपसेट कह सकते हैं। साथ में यहाँ पर 6000mAh बैटरी है, फास्ट चार्जिंग भी है, 50MP कैमरा सेंसर है, ऑलराउंडर यूजर के लिए ये फोन बेस्ट है, बट जो लोग सेल्फी खींचना पसंद करता है उसके लिए ये फोन बेस्ट नहीं है। और साथ में जिसको डिस्प्ले का क्वालिटी बेहतर चाहिए, यहाँ पर HD प्लस दिया गया है, उसके लिए ये फोन नहीं है। तो बाकी जो लोग नॉर्मल गेमिंग करते हैं या फिर नॉर्मल फोटोग्राफी या फिर ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हैं उसके लिए ये फोन बेस्ट है, 10,000 में कार्ड लगा के भाई परचेस कर लेना। तो फ्लिपकार्ट में लॉन्च हो गया, मेरा ये होनेस्ट ओपिनियन था Redmi 10 के बारे में। बाकी आपका क्या राय है इस फोन को लेकर कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।